पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट, बट अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपने पाकिस्तान टीम का साथ नहीं छोड़ना. वी कांट बी अ बैड लूजर्स, और हमें ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला है. बट इन्हीं लड़कों ने जिन्होंने हमें होप दी है, उम्मीद दी थी कि हम फाइनल जीत सकते हैं, उनका साथ मत छोड़िए. बी आउट देयर फॉर देम एंड हेल्प देम टू ग्रो इवन फर्दर मोर. सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड टू एवरी पाकिस्तानी टू सपोर्ट योर टीम. मेक श्योर दैट यू सपोर्ट देम ऑन द सोशल मीडिया एंड एनी प्लेटफॉर्म दैट यू गेट. सो दे प्लेड वेल, सो स्टे रिलैक्स, वी जस्ट कैन नॉट बी अ बैड लूजर्स. सो वेरी डिसअपॉइंटिंग, रियली हर्ट्स. तो दोस्तों आप देखेंगे आगे वसीम अकरम, वकार, मिसबा और महाभ्यास को पाकिस्तान की टीम के साथ आज वही हुआ जो 2016 में भारत की टीम के साथ हुआ था. आपको याद होगा बहुत अच्छा खेल रहा था भारत, लेकिन सेमीफाइनल में आकर एक मैच खराब और भारत बाहर. तो दोस्तों आज तो फटाके फोड़े होंगे आपने, मैंने भी फटाके फोड़े. फटाके मैंने पाकिस्तानियों के लिए नहीं फोड़े हैं, ये बात मैं लास्ट में बताऊँगा किसके लिए फोड़े. क्योंकि पाकिस्तान जब मैच जीता था भारत के खिलाफ, इंडिया में बहुत फटाके फूटे थे. मैं दिवाली वगैरह में भी फटाके नहीं फोड़ता, लेकिन स्पेशली आज के मैच के लिए मैं फटाके खरीद कर लाया था. तो गाइस पहले ये मैच देखते हैं और मैच के बाद और भी कुछ बात करते हैं. स्पेशली एक बात कहूंगा, हसन अली को इंस्टाग्राम पर बहुत जम के गालियां दी जा रही हैं. तो रिजवान जो पाकिस्तान का विकेट कीपर है, जो ज्ञान दे रहा था मोहम्मद समी को, ट्विटर पर सपोर्ट कर रहा था कि रिस्पेक्ट योर स्टार और ये और वो, भाई अब तो हसन अली को ज्ञान दे, उसको इतनी ज्यादा माँ बहन की गालियां दी जा रही है, उसको ज्ञान दे. तो चलिए दोस्तों पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर आखिरी में मैं अपने इमोशन बताऊंगा इस मैच के बाद. हमें बहुत सारे लोगों ने बार बार ये मजाक भी हमारे शो में बन गया था कि धानी को क्यों नहीं ट्राई करते, धानी को क्यों नहीं करते. आपका बड़ा फेथ रहा है हसन अली में, आपने बड़ा सपोर्ट किया हसन अली को. वोकली यहाँ पर आप बार बार ये कहते रहे कि वो एक मैच विनर है और उसको मौका दिया जाए, मौका दिया जाए, मौका दिया जाए, मौका दिया जाए. 5 दफ़ा उनको मौके दिए गए और आज जब छठा मौका आया, जब क्रिटिकल मौका आया, आज भी वो ही कुडंट रियली फायर अप. व्हाट इज समथिंग गोइंग ऑन? इज ही साइकोलॉजिकली नॉट, इज ही फीलिंग अंडर प्रेशर? व्हाट्स गोइंग ऑन? आई मीन वी हर्ड कि अभी ही इज बीन डूइंग रियली वेल रिसेंटली. व्हाट हैपेंड हियर? लोग अगर उसका पिछला एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो यू नो इन जितने भी बॉलर पाकिस्तान से खेले हैं, मेरे ख्याल में इवन मैं भी, वसीम भाई प्रॉब्ली बेटर देन हिम, नोबडी हैज परफॉर्म दैट मच व्हाट ही हैज अचीव्ड इन द पिछले कोई तकरीबन साल एक में जो सिंस हिज रिटर्न. सो आई मीन कॉन्फिडेंस इसी तरह बिल्ड होता है कि यू नो ही इज अ मैच विनर, ही हैज प्रूव्ड इट ओवर एंड ओवर अगेन. 10 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस, पिक्ड अप 5 विकेट्स इन द ओडीआई, T20 में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है. यस ही वाज डाउन, यू नो वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग के ही विल कम गुड. अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट रियली हिट दोज स्ट्राइप्स इन द यू नो, और प्रेशर बिल्ड हो रहा था उसके ऊपर, यू नो, एंड ही कुडंट रियली गेट आउट ऑफ इट. एंड और स्पेशली जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जब प्रेशर मजीद बिल्ड होता है, तो देन यू डोंट नो वट टू डू. You are in, आप चारों तरफ से ऐसे घिर जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती है. And that's exactly what happened. Even Babar Azam have got a lot of faith. Yeah. I mean, Wade was in the zone, the way he was batting. I mean, you cannot really blame him. ठीक है, कैच गिरते हैं, कोई पहला कैच नहीं गिरा क्रिकेट में, कैच गिरते हैं. Yeah, what happened after that, you can always debate on that, on that also. But what happened before that, you can debate that also. वी कैन नॉट पिन पॉइंट के जी ये कैच गिरा है इसकी वजह से हम मैच हार गए. क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती हैं, कैचेस गिरते हैं. येस वी बॉल पुअरली आफ्टर दैट, इवन जो शहीन ने जिस लेंथ पे बॉल की, आई थॉट दैट वाज बैड आल्सो. आप ये कह रहे हैं बट हमारे कप्तान ने, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से टीम को लीड किया है, उन्होंने पोस्ट मैच के अंदर बाजिद खान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर वो कैच ले लिया जाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि एक नया बैट्समैन होता, एक नया बैट्समैन होता शायद, तो वो भी 3 छक्के मार देता. आप कह रहे तो शायद छोड़ देते हैं. So that, so फिर बेसिकली जो कहावत है catches win matches, वो pointless है, वो ऐसे ही है, वो तो catches से देखिए भाई पता. ये बात नहीं होती अगर आप ये देखें कि जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है, स्टीव स्मिथ ने भी तो कैच ड्रॉप किया, राइट, ठीक है, उसके बाद डेविड वार्नर ने भी कैच ड्रॉप किया, सही, उसके अलावा एडम जैम्पा ने भी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि हम मैच पर्टिकुलर उस कैच की वजह से. बाबर आजम इज ऑल्सो बेसिकली
नॉट श्योर कि वो कैच अगर हो जाता है उनका ये कहना पोस्ट कप्तान ने कुछ ना कुछ तो कहना होता है ना मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी होती है सो बाबर हैज गॉट काइंड ऑफ दिस पॉइंट एंड वी एग्री विद बाबर वी एग्री विद एवरीवन इट वाज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट अगर वो कैच हो जाता तो शायद जैसे विकी ने कहा मे बी कम नया बैट्समैन आता है एक दो डॉट बॉल या सिंगल होते तो डिफरेंट स्टोरी होती बट यस ये फिर पूरा मुल्क पड़ जाए बेचारे हसन अली के पीछे वी बीन थ्रू दिस अ लॉट आई हैव बीन थ्रू दिस ही इज बीन थ्रू दिस आई नो आई स्टिल गो थ्रू दिस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आई नो व्हाट यू गाइस आर सेइंग वी डोंट वांट हसन टू बी गेटिंग दैट बट वी हैड अ ही हैड अ बैड आई थिंक ही हैड अ बैड वर्ल्ड कप पीरियड फुल स्टॉप यू नो दैट्स जस्ट इट हैपेंस टू पीपल इट हैज हैपेंड राइट सो नाउ दैट्स गोइंग टू हॉन्ट हिम फॉर सम टाइम दैट्स अनफॉर्चूनेटली द ट्रुथ आई होप के किसी और मुल्कों के लोग या बाहर के मुल्कों में इट्स अ गेम फॉर देम मैन या Yeah. And next day, well done, well tried, bad luck, better luck next time and Correct. Move on. They're off to Bangladesh in next game. Vasim bhai, just a question. Aap mujhe ye bataiye ki is team se expected tha yahan tak pahunchna? Nahin. Nahin tha. Expected. Nahin tha. So I think we should just cherish that. Exactly. Jo unhone achieve kiya hai is yeah. in 5 matches mein, they've given us that hope, they've given us that pleasure. Jitni hame khushi pichle takriban 3 hafte mein hui hai, mera nahi khayal hame itni khushi पिछले दो साल में भी मिली तीन साल में एब्सोल्युटली नॉट वी आर डाइसेक्टिंग दिस गेम सो वी आर डाइसेक्टिंग दिस गेम एक ने ये मैच हारना था ठीक है ना अनफॉर्चूनेटली वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ठीक है ना एग्री दैट हैपेंस एग्रीड And I think, and I don't want to get into this debate because wickets do matter, catches do matter, but trying to justify that, mistakes have happened, that's all. We understand, we move on, right? Now, the more important thing is, let's see, we don't do these things again. I think that should be the focus, inshallah. We have another World Cup coming up in 11 months. We're going to have the same catches. Catches, fakhar, phir bhi girenge. Aisa nahi hoga ke catches nahi girenge. That's part of the game. तो दोस्तों आपने देखा ये अब ऑब्वियसली पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं इनसे अब बोला ही नहीं जा रहा इनकी भी कोई गलती नहीं है पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में ओवरऑल बहुत अच्छा खेला मैं पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा लेकिन इस बार इंडिया से वो मैच जीतने के बाद और इंडिया की हार पर न्यूजीलैंड के बाद इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट और आपको भी पता है कि सोशल मीडिया के टाइम पर पान के टपरे पर या चाय की टपरी पर बैठने वाला बंदा भी आज मोबाइल चला रहा है 4G चला रहा है तो उसके पास वो मतलब अब उसके पास वो मतलब जरिया है कि वो अपना मतलब स्पॉन्टेनियसली जो रिएक्शन आता है वो दे सकता है और वो देता है तो पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे भाई हम तो इस टूर्नामेंट में पहले ही बाहर हो गए तुम भी सेमीफाइनल में बाहर हो गए हम ऐसा पिछले 7-8 साल से झेलते हुए आ रहे हैं भारत की टीम के साथ यही कुछ हो रहा है ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं तुम्हारे साथ आज ये शायद बड़े दिन बाद हुआ होगा शायद 2007 के बाद हुआ होगा कि तुम फाइनल में हारे थे फिर अब शायद सेमीफाइनल में आ रहे हैं हम तो 2014 के फाइनल से लेकर अभी तक आपको भी पता है कि क्या हालत है भारत की टीम की तो दोस्तों अभी तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं शोएब अख्तर का मैच से पहले का एटीट्यूड मैच के बाद का एटीट्यूड इस तरीके के रिएक्शन भरे पड़े हैं मैं कोशिश करूंगा कितनी जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूं और मैच की कहानी आपने तो सारा मैच एंजॉय किया होगा डेफिनेटली मैं तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट ही कर रहा था इंडिया टीम के बाद टूर्नामेंट के फर्स्ट डे से क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बहुत फ्रेंडली हैं आईपीएल को बहुत सपोर्ट करते हैं और आपको भी पता है डेविड वार्नर जैसे लोग जो कि मतलब प्योरली आईपीएल के लिए किसी भी कंडीशन में आने के लिए तैयार हैं चाहे वो कोविड हो और कुछ भी हो पैट कमिंग्स जो इंडिया में जब अभी कोविड केस आए थे डोनेशन भी दिया था तो मैं ऑस्ट्रेलिया को बहुत सपोर्ट कर रहा था मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम का फैन तो नहीं था बचपन से ऑस्ट्रेलिया की टीम से और आप सबकी तरह मैं भी डरता था क्योंकि उनकी येलो जर्सी का खौफ था आपको भी याद है 2003 में हमें किस तरीके से बुरी तरह से हराया था तब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ तभी से शायद पहला वर्ल्ड कप था तो आप समझ सकते हो दोस्तों लेकिन इस बार मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ न्यूजीलैंड को ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट कर रहा हूँ आपकी कौन सी फेवरेट टीम है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए पाकिस्तान के बहुत सारे रिएक्शन आने वाले वीडियो कोशिश कर रहा हूँ एडिट करने की जल्द से जल्द जो मोस्ट फनी वीडियो होंगे वहीं आएंगे आप अपनी फेवरेट टीम जरूर बताएं कौन सी है
आपको ये मैच कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली है गाइस, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंडियन सेलिब्रेट करेंगे इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और इंडियन बेसिकली पाकिस्तान को जलाने के लिए सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, इंडियन सेलिब्रेट आपको भी पता है कि आज इतने फटाके फूटे हैं, फायर क्रैकर्स इतने ज़्यादा बर्न हुए हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि भारत पाकिस्तान वाले मैच में भारत में बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर बर्न हुए थे, उसका ये रिएक्शन है। और मैंने भी फायर क्रैकर बर्न किए हैं, ये फोटो लगाता हूँ मैं आपको, देखो ये फोटो देखो दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और भी वीडियो आने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और भी बहुत सारे फनी वीडियो आने वाले हैं इसी तरीके के पाकिस्तानी मीडिया के। और कोशिश करता हूँ कल परसों तक जो बिफोर और आफ्टर वाले रिएक्शन भी अपलोड करूँ, क्योंकि ये लोग काफ़ी मतलब ऐसी हवा में बातें कर रहे थे ना, ऐसी हवा में बातें कर रहे थे। और ये लोग बोलते थे इंडिया गुरूर, आईपीएल, बीसीसीआई, ये वो, भाई क्रिकेट है, एक दिन किसी का भी खराब होना है, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। हम अभी भी कहते हैं कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, अब दो दिन उनके खराब हो गए। और स्पेशली इस मैच में एक बात हुई कि पाकिस्तान आज पहली बार बैटिंग फर्स्ट कर रहा था किसी बड़ी टीम के खिलाफ, अभी तक इनको एक्सपीरियंस नहीं था। भारत के साथ वो पहले मैच में हो गया, दूसरे मैच में हो गया, तो आपको भी पता है कि ड्यू फैक्टर और सब कुछ वो सामने आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हुआ है पाकिस्तान के साथ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब